बहुत लापरवाह हो गई हो तुम आजकल, अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, तभी तो ये हाल हुआ है। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, हम देखते नहीं है क्या, सारा दिन चक्कर गिन्नी की तरह घर के कामों में इधर उधर नाचती रहती हो तुम। अरे थोड़ी देर आराम किया करो, अपना ख्याल रखा करो, ठीक से खाया पिया करो। भैया सही कह रहे हैं भाभी, आप पूरे घर का ख्याल रखती हैं, अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। भाभी सॉरी। अरे गौरी तुम क्यों सॉरी बोल रही हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नहीं नहीं भाभी मैं वो नहीं, नहीं सच्चे तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब गलती अम्मा जी की है। देखो ना उन्होंने तुम्हें किचन में आने से मना कर दिया और घर का पूरा काम हमारे सर पर आ गया, और इतना काम करेंगे तो चक्कर तो आएगा ही ना। मतलब तुम घर के काम की वजह से चक्कर खाकर गिरी? हाँ तो आपको क्या लगा? हमें लगा कि तुम कुछ नहीं। नहीं और भी कोई बात है क्या, कुछ हुआ था? हाय हमें याद ही नहीं है, आप लोगों को तो पता ही है ना हमें थोड़ी याददाश्त की प्रॉब्लम है। हाँ सरला हम जानते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, तुम चिंता मत करो। सच्ची? हाँ। अच्छा तुम लोग जाओ अभी, ये ठीक है, थोड़ी देर आराम करेगी तो और बेहतर हो जाएगी। भैया हमें भाभी से बात करनी है। भाभी कुछ कहना है आपसे। क्या हुआ शिव भैया, हमसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं भाभी आपने कोई गलती नहीं की। अच्छा तो फिर क्या बात है? भाभी खुशखबरी है, लेकिन शायद वो सुन के आपको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो। अगर खुशखबरी है तो हम डिसअपॉइंट क्यों होंगे भैया, वैसे हम तो खुद ही कुछ दिनों से गुड न्यूज सुनाना चाह रहे थे। लेकिन गौरी हमें अभी याद आया, तुम गुड न्यूज सुनाने वाली हो ना, हम तो यही सुन के खुशी के मारे बेहोश हो गए थे। वैसे कितनी अजीब बात है ना गौरी, आजी जी की गुड न्यूज की पुड़िया हमने खाई और गुड न्यूज तुमने सुना दिया, ऐसे हम बहुत खुश है तुम्हारे लिए। तुम बाल गोपाल भगवान कृष्ण की तस्वीर टांगो हाँ, और इनकी रोज पूजा करो, इनसे प्रार्थना करो, हो सकता भगवान तुम्हारी प्रार्थना सुन ले और तुम्हें जल्दी गुड न्यूज मिल जाए। वैसे ये सब ना इनकी वजह से हुआ है। हम एक काम करते हैं, हम ना सब मिलके इनके सामने जाकर हाथ जोड़ के इन्हें थैंक्स बोलते हैं, है ना? आओ गौरी आओ, आइए शिव भैया। आराम से भाभी। हाँ जाओ जाओ, चलो चलो थैंक्स बोलो भगवान को। थैंक यू भगवान जी। वैसे राम जी सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, आपको ना हमें शंभू हलवाई की दुकान से मिठाई भी खिलानी होगी। तुम बहुत अच्छी हो सरला, बहुत अच्छी हो। वो तो हम हैं, सिर्फ अम्मा जी है जो समझती नहीं है और दिन रात हमें कोसती रहती है। कोई बात नहीं ठीक है।
तो मुंबई वाली को कोसना बंद करो जौनपुर वाली है? अरे उसकी कोक में हमारे खानदान का कुलदीपक है। लेकिन वो, अरे का भी लेकिन वेकिन किंतु परंतु में उलझियो है? हम क्या कहते हैं, सब भूल जाओ और जाकर खुशियां मनाओ। कहे कि अब तुम अम्मा से दादी बनने वाली हो, तुम्हारी तरक्की होने वाली है। और दादी होने का मतलब समझती हो तुम? जी। अरे का खाक समझती हो है? अरे अगर समझती होती तो झट से अपनी जिम्मेदारियां निभाती, जाकर अपनी बहू की आरती उतारती, उसे दुलारती, प्यार करती, उसे केसर बादाम का दूध पिलाती, मेवे खिलाती। लेकिन नहीं, तुम तो यहाँ आके खड़ी हो हमारे सामने मुंह लटका के, ऐसे जैसे तुम्हारा कोनो तक तो ताज छिन गया हो। माता जी ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं है तो जाओ है? जाके अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए कमर कस लो। और सुनो, आज से ना तुम हमसे वो दादी बनने की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दो, हम तुम्हें पारंगत कर देंगे। जी माता जी, वो तो हम आपसे ट्रेनिंग ले लेंगे, लेकिन वो, अरे फिर से वही ढाक के तीन पर। अरे हम क्या कहते हैं, अब ये मुंबई वाली को भला बुरा कहना छोड़ो है, वरना उसके कोख में पल रहे बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। अरे का इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती? नहीं माता जी, हम समझ गए, हम गौरी से कुछ नहीं कहेंगे। और सच में हम बहुत खुश हैं। हमें दिखाई तो नहीं देता है? अरे चेहरे पर तो 12 बज रहे हैं तुम्हारे। माता जी ऐसी बात नहीं है, हम सरला को लेकर जरा चिंता में हैं। अरे काहे बातों को घुमा रही हो है? का हम तुम्हें जानते नहीं? और ये सीता मोह वाली की चिंता करना छोड़ दो। अरे वो मस्त मोला है, देखो अभी उठ के अभी चहकने लगेगी पहले की तरह है? तुम तो ये असली बात पर आओ। नहीं माता जी, आप चिंता ना करें, हम गौरी का खास ख्याल रखेंगे। और सच में हम बहुत खुश हैं, मतलब मुन्ना के बाद घर में इतने सालों बाद कोई नन्ना मुन्ना आ रहा है, इसी की खातिर ही सही हम गौरी का खास ख्याल रखेंगे। उसकी खातिर ही नहीं है? बल्कि अब उसे अपनी बहू समझकर उसे प्यार करो, दुलार करो, उसका ख्याल रखो। अरे तभी तो तुम्हारा बुढ़ापा सुधरेगा। समझ गए माता जी। नहीं आप परेशान मत होइए, हम गौरी का पूरा ख्याल रखेंगे। आते हमारे बेबी की मम्मा क्या सोच रही है? शर्मा कह रही हो, देखो ना हमारी तरफ। क्या है? हमारी तरफ देखो, कुछ कहना है बोलना। पहले हमारी तरफ देखो फिर बताएंगे। अच्छा ठीक है, बताते हम ये कहना चाहते थे कि हमारे बेबी की मम्मा से बेबी का डैडी बहुत प्यार करता है। वैसे शर्माते रहोगे तो बेबी के बारे में बात कैसे करेंगे हम? कौन सी बात? अरे कितनी सारी बातें हैं, मतलब बेबी का नाम क्या रखेंगे, कौन से स्कूल में पढ़ाएंगे, वो किसके पास सोएगा या सोएगी, है ना? ऑफ कोर्स माजा सोबत झोपेल ना। हमारे पास? नहीं नहीं मी आई है त्याची। हमारे पास शमी आई है ना। हमारे पास ना। ओके ओके भांडण नको, आपल्या दोघांसोबत झोपेल ये चलेगा। चलेगा? इतनी अच्छी फीलिंग हो रही, कितना एक्साइटमेंट हो रहा है। आप, हम और हमारा क्यूटी पाई, हमारा प्यारा सा छोटू सा बेबी।
मिले ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे, ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी हो पूरी तुझी से मेरी ये कहानी। क्या हुआ गौरी जी, तबीयत ठीक है ना? हाँ तबीयत ठीक है, मन ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? इतकी गोड आनंदाची बातमी आहे, पण ती बाबांना सांगता येत नाही। हाँ हमें भी बुरा लग रहा है कि हम बाबा को नहीं बता पा रहे, पर आप एक बार यहाँ पे सबको शांत होने दीजिए, उसके बाद बताएंगे पक्का। आज तक नहीं समझू शकर गौरी जी, हमें ऐसा लगता है कि अगर अभी बाबा को बताया तो बाबा रुक नहीं पाएंगे, आपसे मिलने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे। पर इस बार भी पहली बार की तरह कुछ गड़बड़ हुई तो? नहीं नहीं होणार, पहले सर का काहीच राहिला नहीं आता, बाबा खरच बदलले। तुला आठवत है ना प्रकाश जीजींचा जो काही प्रॉब्लेम झाला तेव्हा बाबा आपल्या पाठीशी उभे होते, ते खरच बदलले छे, असं नाही करणार। ये बात तो है गौरी जी, आपण त्यांना सांगूयात ना। या घरी सगळे किती आनंदात, आणि आनंदी व्हायचा हक्क बाबांनाही आहे ना। है ना गौरी जी, बिलकुल आहे उन्हें हक। मम्मी त्यांना आता फोन करू? नहीं नहीं अभी नहीं, प्लीज प्लीज मला बोलू दे गौरी जी, उन्हें कल बताते हैं, ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है मुन्ना। अम्मा मुन्ना समझने की कोशिश करो, नहीं मतलब ऐसी खबर को शुरुआत के दिनों में किसी को बताया नहीं करते, कम से कम 3 महीने तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्यों अम्मा? क्योंकि नजर लग जाती है। हम ये सारी बातें नहीं मानते। लेकिन हम मानते हैं और तुम्हें भी माननी ही होंगी। लेकिन अम्मा, मुन्ना हमने तुमसे कहा ना ये बात घर के बाहर नहीं जानी चाहिए। बाबा तो हमारे अपने हैं, बाहर के नहीं है वो, तो इस घर के भी नहीं है। हम दादी जी से बात करेंगे। तुम किसी से भी बात करो, लेकिन हमारा फैसला यही है। और कान खोल के सुन लो तुम दोनों, पहले की बात और थी, पहले तुमने खूब अपनी मनमानी कर दी मुन्ना, लेकिन अब हम तुम्हारी कोई मनमानी नहीं चलने देंगे, क्योंकि बात घर के कुलदीपक की है, हमारे पोते की सुरक्षा की, तो इस बार हम कोई कमी कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझ रहे हो ना तुम? मां पैसे कैसे कर सकती हैं? हम ऐसा कर सकते हैं। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम गौरी को लेकर नीचे आओ, हमें उसकी नजर उतारनी है। गौरी बेटा कशी आहेस? तुझ्याच फोनची वाट पाहत होते मी। अगो मी बरी आहे, मी आई बोलता आई। अग आई काय ग? नुसती आई नाही आता, गौरीच्या होणाऱ्या बाळाची पंजी बोलता।
आता दुकानात जा सारा पाकडे सोन्याची फुलं बनव, माझ्या डोक्यावर उधळायचे आहेत ना. आई काय झालंय, हा काय गौरी समोर उभी आहे का तुझ्या, कसली मस्करी चालली तुम्हा दोघींची. अगो मी अशी मस्करी करेन काय, तू आजी होणार आहेस आणि मी पंजी. अग खरच का? अग हो, माझ्या बर्फीच्या चेहऱ्यावर काय तेज आला माहितीये. अग काय काय छान बातमी दिली आहेस तू, मी देवासमोर साखर ठेवते आणि यांना लगेच सांगते. तुझ्या यांना आता काय सांगू नको. का ग? अगो म्हणजे काय माहितीये, जावई बापू काही बातमी ऐकून आनंद होईल का नाय याचा अंदाज पोरांका येत नाही. दोघं टेन्शन मध्ये असत, जावई बापू रागावले तर. अग काही काय बोलतेस तू, हे कशाला रागवतील. हा गौरी असा का विचार करते, ती आहे का, तिला फोन दे, दे फोन. अगो ती तिच्या सासू बरोबर बाहेर आहे, तिची दृष्ट काढतात. अगो काय खुश आहेत घरातले माणसं सगळे माहितीये तू का. अगो तिच्या गोड बातमीने घरातला सगळा वातावरणच बदलून गेला. त्या अमक खुश आहेत ना आता. हो सगळे खुश आहेत. पण तू जावई बापून काय एवढ्यात काय सांगू नकोस. हा हो हो हा चल. आई अगं माझ्या लॅपटॉपचं चार्जर तुला काय गाई, आणि तू काय देवाला नमस्कार का करतो, काय झालं. अरे आईचा फोन होता. हो काय म्हणाली काय आजी. अरे ती ती म्हणाली की ती पणजी होणार आहे. काय काय सांगतेस काय अगं, म्हणजे गौरी. आहे गोड बातमी आहे गौरीची, पण यांना काही सांगू नकोस इतक्यामध्ये. का? म्हणजे गौरी आणि शिवच बोलतील यांच्याशी फोन करून असं आई म्हणत होती. आजीचं बरोबरच आहे, या दोघांना ठरू दे ना बाबांना कधी सांगायचं ते. हो तोपर्यंत आपणही काही दाखवायला नको. कोणाला काय दाखवायला नको. आलात तुम्ही, लवकर आलात. लवकर कुठला, नेहमीप्रमाणे आलोय. काय चाललंय का तुमचं, काय दाखवायला नको. बाबा हो आजीचा फोन आला होता. काय ग डोळे काय वाटत असतेस त्याच्यावर, काय झालं का तिकडे बनारसला. नाही काही झालं नाहीये. अहो आजीला ये म्हटलं तर ऐकतच नाही ती, नाही येत म्हणते. पण आपल्यालाही तिची आठवण येते असं दाखवायला नको का, म्हणून आम्ही फोन केला होता. बरोबर आहे, त्यांना फोन करून या या म्हणणं बरोबर नाहीये, सगळं सांगून झालंय त्यांना. अपमान सहन करून राहते गौरीसाठी तिथे. गौरीला आवडत नसणार, पण शेवटी वयोमानानुसार हट्टीपणा वाढलाय तुझ्या आईचा. काय ऐकायलाच तयार नाहीये ती. तुझं पण ऐकत नाही, कमाल झाली. खरं सांगू सोरू, त्या गौरीसाठी जर राहत असल्या ना तरी त्या अम्मा सगळे भरोसा नाही. ही अम्मा ना कधी सुधरूची नाही. हा सांगायचं नाही म्हणजे काय, या काय तिचा बोलला. आओ मुलीने गोड बातमी आपल्या माहेरी सांगूची नाही. काय काय लग्न झालं म्हणून काय ती परकी झाली आमका. हा चुकीला चूक म्हटलं तरी ती का जमत नाही, ते कळत नाही ती का चालत नाही. आजी आजी प्लीज तू समजून घे ना. ए बघ मला माहिती आहे अम्माजी चुकतायत, पण आत्ता त्यांच्याशी वाद घालून त्यांना दुखवायचं का आपण. त्यापेक्षा आपण जरा शांतपणे हँडल करू ना सगळं. हे बघ काय तुझं ते हँडल फिंडल काय त्या जाऊ द्या. कळला, तू पहिले स्वतःची ती काळजी घे तब्येतीची, समजला काय तुका. हा हम्माक मी बरोबर हँडल करताय की नाही बघ.